Good morning. ये पेड़ मेरे मूसा सिंह के लिए, अपना ध्यान रखूं ना देखूं, अपने मूसा सिंह का ध्यान जरूर रखती हूँ। मामा के यहाँ चल दिए हैं हम, तैयार त्यूर होके बोरिया बिस्तरा सेट है। हैं भतरोज खान और उधर मम्मी सब्जी लेके जा रही है गांव के लिए। अब दो दिन मामा के यहाँ रहेंगे, फिर उसके बाद सीधे वो है मम्मी वहाँ से ले रही है सब्जी। तो अभी शाम हो गई है और हमको यहाँ आए बहुत टाइम हो गया। उसके बाद मेरा सर बहुत गंदा दर्द हो गया था, क्योंकि मेरी हल्की हल्की सूज गई है। तब से सोई हूँ और जस्ट उठ ही रही हूँ, क्योंकि बहुत गंदा वाला सर दर्द हो गया। फिर मामा ने मुझे झंडू बाम दिया, झंडू बाम लगाया, थोड़ा पसीना सा आने दिया, तब जाके थोड़ा सा आराम है। अभी बस खाना वाना बन रहा है, भिंडी बन रही है भिंडी, और यहाँ पर कोई और भी आए हुए हैं बगल वाले घर में। आजकल छुट्टियाँ पड़ी है तो सारे लोग गाँव में आए हुए हैं। देखो उस पहाड़ पे अभी भी धूप है, उस पहाड़ पे अभी भी धूप है। मेरा ना थोड़ा सा गला भी अजीब सा हो गया है। लास्ट टाइम दिखाया था इस पहाड़ में कितनी अच्छी सी हरियाली थी, लेकिन इस टाइम ऐसा हो रहा है। टाइम टाइम की बात है। जगह जगह का पानी पी के गली की भी बैंड बच गई। अभी तो फिलहाल यही है, बाकी जैसा भी रहेगा दिखा। रात की सब्जी मामा के लिए बन रही है। अभी बाग देखा हमने, ये अभी भी ये लोग देख रहे हैं। मैंने वीडियो तो रिकॉर्ड करी थी पर मेरे पास है नहीं, इनसे मांग ली, अभी मांगूंगी फिर दिखाऊंगी। पास आ गया, अभी इतने दिनों से चुपचाप ही हो रही थी, आज हम आए, आज फिर से बाघ आ गया। यहाँ पे मम्मी गूंद रही है आटा, बन गई है भिंडी की सब्जी, मतलब बनेगी, अभी बनी नहीं है, तो ये जिम्मा मैंने उठाया है। पता नहीं कैसे बनेगी, एक सेकंड में पहले सब्जी रख लूँ फिर दिखाती हूँ, नहीं तो जल जाएगी। बन गई है सब्जी, अब ढकेगी इसको मामी। ये आ गया है खीरा, हाँ वहीं जा रही हूँ मैं। ये आ गया है खीरा, इसका बनेगा रायता, चलो इसको बनाते हैं। इतना निकाल दूँ, इतना निकाल दूँ, उसको लगी रख दूँ फिर तोड़ के। अरे ये चूल्हे की रोटियाँ, अभी बहुत टाइम बाद फिर चूल्हे की रोटियाँ खाएंगे हैं मम्मी। का टेस्ट ही अलग आता है चूल्हे की रोटियों का टेस्ट। इस बारी तो बहुत जल्दी जल्दी मौका मिल गया है। डार्क अंधेरा, और अभी अभी हमने बाघ भी देखा है, बताओ कैसे रहे। जब जब यहाँ आते हैं बाघ के दर्शन हो जाते हैं, बहुत डर लग रहा है, बहुत ज्यादा। खाना भी खाना ही है, बनाना भी है, ये क्या करें, है ना मम्मी, पेट पूजा तो जरूरी है। मामी का रायता बन गया, दही रायता रोटी भिंडी की सब्जी, और ये क्या था, बैगन खाना ही। इधर रोटी हो रही है करा दी, पनीर तो भुजी गया।
खा लेते हैं। खाना पीना हो चुका है, धुल रहे हैं बर्तन और मैं डर के मारे यहाँ से हिल नहीं पा रही हूँ। जब तक ये बर्तन धुलेंगे मैं ये बैठूंगी ऐसे। मैं डर के मारे यहाँ से हिल नहीं पा रही हूँ क्योंकि अंधेरा बहुत ज़्यादा हो रहा है और मुझे अंधेरा के लिए डर भी लगता है। अब जब तक ये बर्तन धुलेंगे तब तक मैं ये बैठी हूँ ना चाहते हुए भी। बर्तन धुलते इसी दिन निकल लेती हूँ सोने। आप लोग भी सो जाओ, गुड नाइट। हमारे जाते जाते अम्मा मुझे दूध दे गई है तो दूध पी लेते हैं। चल दिए विदाई लेके, पानी वगैरह भर लिया है और पिठिया पानी लगा लिया है। बहुत ज़्यादा गर्मी हो गई है, गर्मी का तो क्या ही बखान करना है। बैग भारी हो गया है, अभी खड़ी चढ़ाई है वैष्णो देवी की। वैष्णो देवी की तो फिर भी आसान है लेकिन ये बहुत तेज है चढ़ाई। चलो चलते हैं, अभी ऊपर पहुँच लूँ फिर बताती हूँ, मतलब फिर दिखाती हूँ, मतलब फिर बतियाती हूँ। भैंस रहती है, अभी तो भैंस नहीं है, कटिया मटिया ही है। उधर मम्मी चल दी, इधर मम्मी चल दी। हाँ? आ रही मम्मी? अच्छा ये है, एक ये है एक वो है। चलो चल दी। अब पहाड़ों की कहावत, आप जब भी जाओगे कुत्ता आपको छोड़ने के लिए आएगा। देखो हमें छोड़ने के लिए आ रहा है। आ जा वालू, आ जा, चल जा फिर, रहने दे तू, जा घर जा, जा घर जा। फाइनली पहुंच ही गए हैं, बहुत ज्यादा गर्मी हो गई है। अब यहाँ पे बस का इंतजार कर रहे हैं, बस आएगी तो सीधे रामनगर जाएंगे, फिर उसके बाद आगे दिखाती हूँ। बहुत ज्यादा थकान लग गई है, पसीने इतने आ गए हैं कि आंख में घुस गए हैं और आंख नहीं खुल रही है, नमक नमक लग रहा है। पाँच बजे के उठे हैं। ओ कालू भी आया हमें यहाँ तक छोड़ने के लिए। कालू ला, आया बेचारे के लिए कुछ है भी नहीं। बहुत ज्यादा गर्मी हो गई है, हम मेन रोड पे आ गए हैं। अब यहाँ से सीधे रामनगर जाना है, फिर इसके बाद दिल्ली। चलो बस का इंतजार करते हैं, आ जाएगी तो फिर बैठ जाएंगे। अभी बस स्टैंड पे बैठे हैं, मतलब ज्वेलरी वाले के दुकान में जा रहे हैं, कुछ काम है उनके यहाँ। ये मम्मी है, ये वो है।